पानी की समस्या झेल रहे बिरसा मुंडा के गांव उलिहातू की तस्वीर धरती आबा जलप्रपात बदलेगा। इस जलप्रपात के नीचे गहरे खाई में बांध बनाकर पानी का भंडारण कर उसे बिरसा कॉम्प्लेक्स तक पहुंचाया जा सकता है। वहीं जल संरक्षण से इलाके में भूगर्भीय जलस्तर भी ऊपर आएगा। यही नहीं, लगभग 80 फीट की ऊंचाई से गिरते इस झरने के विकास की योजना जिला प्रशासन बना रही है, जिससे उलिहातू जाने वाले लोग झरने तक जाकर उलिहातू और कंडड़ा पीढ़ी की खूबसूरती को देख सकेंगे। डीसी शशि रंजन ने कहा कि उलिहातू और कंडड़ा पीढ़ी के पास स्थित झरने का विकास किया जाएगा। कहाँ है झरना? वैसे तो उलिहातू बहुत से लोग जाते हैं, लेकिन उससे कुछ ही दूरी पर कंडड़ा पीढ़ी के पास यह जलप्रपात है। इसे बहुत कम लोगों ने ही देखा है। पिछले दिनों हिंदुस्तान ने इस जलप्रपात से संबंधित खबर प्रकाशित की थी। यह जलप्रपात कंटड़ा पीढ़ी में उलिहातू मोड़ से लगभग 200 मीटर आगे दाहिनी ओर स्थित है, जहां 150 मीटर तक झाड़ियों के बीच से जाने के बाद इस जलप्रपात तक पहुंचा जा सकता है। वैसे स्थानीय लोग यहां नववर्ष में पिकनिक मनाने भी पहुंचते हैं। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आगमन उलिहातू हो रहा है। इससे पहले यह बतला दें कि उलिहातू में एक खूबसूरत जलप्रपात लोगों के नज़रों से दूर है। यह इस जलप्रपात को लोग धरती आबा जलप्रपात के नाम से जानते हैं, लेकिन आज तक यह जलप्रपात गुमनामी के अंधेरे में खोया हुआ है। हाल ही में ये इस जलप्रपात को लेकर कुछ लोगों ने जानकारियाँ दी, जिसके बाद हम यहाँ इसे देखने के लिए पहुँचे हैं। निसंदेह यह जलप्रपात काफ़ी खूबसूरत है और भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थली उलिहातू को सरकार ने पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है, तो ये जलप्रपात उसमें एक बहुत बड़ा रोल ही अदा करेगा। ये उलिहातू में बिरसा ओड़ा से जब हम आगे बढ़ेंगे और अड़की के रास्ते पर बढ़ेंगे तो 100 मीटर के बाद दाहिने तरफ मात्र 200 मीटर की दूरी पर जलप्रपात स्थित है। इसे विकसित करने के बाद यह उलिहातू को चार चांद लगाने का काम करेगा। इसे पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित किया जा सकता है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा। खूंटी जिले की सभी खबरों के लिए हमसे जुड़े प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।